आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। दिन की शुरुआत हो चुकी है और बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तप्पू इधर देखो क्या कर रहे हो। ये छोटा सा डॉगी है, ये इसको रोटी खिला रही है। ये इसकी जो मम्मी है वो किसी की भी डॉगी नहीं, वैसे हर जगह घूमते रहते हैं गांव में। अभी ये रोज़ यहीं पे रहता है, धूप में आ गया है। और कल तो ये हमारे अंदर भी आ गया था, रात को अंदर ही था। अभी तप्पू से सुबह सुबह खिलाने लगी है रोटी। देखिए कितना क्यूट है ये, और ऐसे खा रहा है आराम से। और अभी मैं धोने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि आज आई है बहुत अच्छी धूप, तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। अभी मैंने सारे कपड़े धो के धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने आज, और अभी ये सूख रहे हैं धूप में अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। टप्पू क्या पढ़ रही है? चल ठीक है, पढ़ाई करूँ। टप्पू पढ़ाई कर रही है और अब मैं भी अपना पढ़ने लगी हूँ, तो आपसे मिलते हैं बाद में। अभी हम स्टडी करते हैं, दोनों का स्टडी टाइम है। बाय बाय। मम्मी नहला रही है भैंस को, और अब हो गया है लंच टाइम। अब खाते हैं दाल चावल, हरी सब्जी और अचार। घर पापा भी खाना खा रहे हैं, मम्मी भी खाना खा रही है, सब लोग खाना खा रहे हैं। और ये देखो, इन्होंने उस डॉगी को नहला दिया है नहा के। अब वो डॉगी धूप में बैठ चुका है और रोटी खा रहे हैं। खुजली हो रही है। ओहो ओहो नहीं, मेरे पीछे मत आ। धूप में, धूप में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। ये देखो कैसे खेल रहे हैं ये लोग। अंकल बीच बीच में उसको देख के डर भी रहा है और खेल भी रहा है। देखो कैसे भाग रहा है ट्विंकल उसको देख के। अभी ये महाराज खा रहे हैं खाना, दूध भात। बादलों की ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। मेरे पहाड़। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है टी टाइम। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो ट्विंकल, मैं किचन में चाय बनाने आई तो ये आके यहीं पे लेट गया। ट्विंकल ट्विंकल, हेलो गाइस, हाउ आर यू, बोलो। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो अपना भी आके यहाँ पे बैठ जाता है। अभी इधर बन रही है चाय और अब मैं दद्दू को चाय दे दूँगी। बुबू खा रहे हैं आलू के गुटके। लो चाय ना टेबल में। तो अभी मैं जाने लगी हूँ पार, हमारा घर दिख रहा है पीछे। और अब मैं जा रही हूँ पार, उसके बाद हम घूमने जाएंगे इवनिंग वॉक पर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम खा रहे हैं पपीता और इधर है पप्पू। कैसा लग रहा है? बहुत मीठा हो रहा है। अभी जा रहे हैं हम घूमने के लिए, पीछे तप्पू के स्कूल की बस खड़ी है। और ये है मम्मी,
जी। और टप्पू पी रही है, क्या पी रही है? ओआरएफ। ऐसी पीने जा रही हूँ। चलो ओआरएफ का फुल फॉर्म बता फिर। है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो अब हम जाते हैं वॉक करने। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अभी हम घूमने जा रहे हैं और सामने से आ रहे हैं दद्दू। वो देखो अभी मैं जा रही हूँ दुकान में टमाटर लेने के लिए। टमाटर लेके आते हैं, हम मिलते हैं आपसे दुकान में। तो अभी मैंने ले लिए हैं टमाटर और मैगी मसाला। अब मैं जा रही हूँ घर को। चलते हैं घर की तरफ। अभी बगल में दादा के आंगन में डाल रहे हैं काम कर रहे हैं। हमारे पहाड़ों के खास बात है उत्तराखंड के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अरे टमाटर है, वो टमाटर खाएगा क्या? ले टमाटर खाएगा। खेल कर रहे हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। आज बना रही हूँ मैं आलू और मटर। टमाटर काट लिया है, प्याज और लहसुन भी बारीक तरीके से काट लिया है। अब जल्दी से बना लेते हैं सब्जी। इधर मेरी सब्जी बन गई है, अब मैं इसको पकने देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। सब्जी को पकने देते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। अभी सब्जी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला, ये मैजिक मैगी मसाला। थोड़ा सा ही ऐड करूँगी और मैगी मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे 5 मिनट और पका लेती हूँ। उसके बाद इसमें धनिया ऐड कर लूँगी। अभी सब्जी बनके तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा तरी वाली बना रखी है, हम लोग को तरी वाली सब्जी पसंद है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। और अब डाली है इसमें धनिया ऐड करने की, तो मैं इसमें धनिया ऐड कर लेती हूँ। और अब इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। ये है दद्दू का खाना तैयार है। अब मैं उनको खाना देके आती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। लो रोटी। अंधेरा क्यों रहा है? तो फ्रेंड्स अभी डिनर हो गया है और आज वीडियो मैंने काफी दिनों बाद बनाई थी। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ जल्दी ही फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भोलेनाथ। बाबा बागनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।